मेरे भाइयों मेरी बहनें, ईद का दिन अल्लाह के इनाम का दिन है। हमने पूरा महीना रोजा रखा, अब हमें क्या होना चाहिए? पता है आपको कि कोई भी नेकी करो तो नेकी करने के आखिरी हिस्से में अल्लाह से माफी मांगना चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए, अल्लाह से कबूलियत की दुआएं करनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बना रहे हैं, काबा, और क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमसे कबूल कर ले। इन्नका अंता समीउल अलीम, तू सुनने वाला है, जानने वाला है। वतुब अलैना, हमारे तरफ है अल्लाह, तू पलट जा, माफ कर दे, हमें रहम कर दे। इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम, यकीनन तू माफ करने वाला, बार बार पलटने वाला, रहम करने वाला है। तो होना क्या चाहिए? ये आखिरी हिस्से में हमें तो अल्लाह से माफी मांगना चाहिए, और ईद के दिन, ये दिन हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तू कबूल कर ले, कबूल कर ले। क्योंकि नेकी तो किए, लेकिन नेकी कबूल करना अल्लाह के हाथ में। ये नेकी करके कोई फायदा नहीं जब तक वो कबूल ना हो जाए, और उसकी कबूलियत असल बात है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हम देखते हैं सहाबा इकराम के बारे में आता है कि जब वो लोग एक दूसरे से, यहाँ तक कि ईद भी मिलते, तो ये दुआ देते थे एक दूसरे को, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह कबूल कर ले तुमसे और हमसे। कबूलियत असल चीज़ है।